सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और ठंड का मजा ले रहे होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा जिसे कह देते हैं। और मैम निकाल रही थी मलाई से घी, और ये है ना मलाई मैंने 2 दिन पहले ही फ्रिज में से निकाल के रख दी थी और टाइम नहीं लग रहा था, सोचा चलो अभी है ना काम करती रहूँगी और इसको भी मतलब निकालूँगी ही, लेकिन वही है इसमें है ना टाइम बहुत लग गया था मुझे, आधा घंटा मैं इसको चलाती रही जब जाके मेरा घी निकला था। और अब मैं इसको गर्म कर दूँगी साथ के साथ ही, क्योंकि फिर बर्तन है ना साथ के साथ साफ करके रख लूँगी। और यहाँ पर है ना अनार छिलके दिए थे बच्चों को, तो ये छिलके मैंने रख लिए हैं, इनको साफ़ करके है ना धूप में सुखाऊँगी, अभी तो धूप नहीं निकल रही है। और इनका भी यूज़ मैं आपको बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी इनका मैं क्या करूँगी। जो बीज काले थे ख़राब थे उनको मैं अलग निकाल दूँगी, बस छिलके छिलके सुखाऊंगी धूप में, वैसे ही रख दूंगी, थोड़ा सा सूख जाएंगे। और देखिए घी को भी चलाती रही मैं, यहीं पे खड़े खड़े अपना बाकी का काम निपटाती रही। और फिर है ना काम करने के बाद मैं नहा ली थी और थोड़ी सी धूप निकली तो वही लालच आ गया, मैंने सोचा चलो थोड़े से कपड़े धो लूँ तो सूख जाएंगे, क्या पता कल निकले, क्योंकि बोल रहे हैं ना कि अभी मौसम फिर से ख़राब होगा, वही डर है और किसी की टेंशन नहीं जितनी कपड़ों की होती है। तो सोचा फटाफट थोड़ा से कपड़े निकाल दूँ, जब डल जाएंगे बाहर तो सूख ही जाएंगे धूप में, और फिर खाना बनाऊँगी। कपड़ों में है ना कपड़ों की इतनी टेंशन होती है, सच में मुझे नहीं सभी को होती है टेंशन बहुत है कपड़ों की, क्योंकि सूखते नहीं हैं, बार बार पलटते रहो, मोटे कपड़े रहते हैं। चलिए निकाल लेते हैं अपने कपड़ों को भी। फिर कपड़े धोने के बाद मैं खाना बार बार बोला था मम्मा भूख लग रही है, मैंने कहा बेटा बस अभी लाई, फिर मैं इनके लिए खाना बना रही थी और सब्ज़ी बनाई थी। आज मैंने आलू मटर और गाजर की, पसंद इनको नहीं है, मुझे बहुत मेरी तो फेवरेट है तो खिलाऊंगी, लेकिन इनको खाना खाने के बाद है ना हम लोग थोड़ी देर के लिए धूप में चले गए थे, धूप तो थी लेकिन हवा बहुत ठंडी थी और ये दोनों बच्चे खेल रहे थे, मैंने सोचा चलो फ़ोन थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं, दिखा देते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था, फ्रॉग बन के चल रहा था ये, और बेटी से नहीं चला जा रहा था लेकिन ये काफ़ी अच्छे से चल रहा था बहुत। और फिर है ना हम पार्क में ही थी तभी फ़ोन गया, मेरा भाई आया था तो फिर हम समोसे वगैरह लाए थे तो वो खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत दिनों के बाद आया है, कम से कम
5-6 महीने के बाद अब हम इतनी दूर हो गए हैं कि हमारे यहाँ आने के लिए भी सोचना पड़ता है। और ठंड का टाइम है वैसे भी, तो आज बच्चे खुश हैं और ख़ास तौर से मेरी परी को बहुत ज़्यादा है कि मामा आए हैं। वो तो कुछ ज़्यादा ही खुश होती है, उसे है ना, सभी को होता है लेकिन उसे बहुत लगाव है अपने मामा से, और मामा भी बहुत प्यार करते हैं। दोनों मामा, दो भाई हैं, तो वहाँ समोसे खा रहे थे और ठंड में तो समोसे बड़े अच्छे लगते हैं। और फिर मैं खाने की तैयारी कर रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि दूर से हैं, दूर से आया था तो मैंने कहा भूख लग रही होगी, चलो। और खाना बनाने में मेरा है ना बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं है ना, मुझे डांट भी पड़ती रहती है कि खाना कम और फ़ोन में ज़्यादा लगी रहती है। दोनों तीनों फ़ोन मेरे पास में रहते हैं और घूमती घामती मैं फिर फ़ोन के पास चली जाती हूँ, तो वही मेरी चुगली भी हो रही थी। आप सोच रहे होंगे आज मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मम्मा बहुत बिजी है, क्योंकि आज मेरे मामा आए हैं और मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। जल्दी गई, गर्म हो रहा है, जल्दी गई, और पानी गर्म कर रही है। यहाँ पे सब्जी और यहाँ पे दो सब्जी बनाई थी मैं और भाई। यम्मी 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 इन माई टम्मी। पानी गर्म हो गया होगा, मम्मा देख लो। नहीं फूली फूली रूली बच्चों को हुआ फूलेगी, गारंटी हो यार। मम्मा सब्जी में बना है, मैं बताना भूल गई थी, आलू टमाटर और सोयाबीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पनीर पसंद है। ये पानी गर्म हो चुका है, यहाँ पे रोटी का मम्मा खूब सारा घी लगा रही है। किस किस को ठंड में घी की चिपड़ी हुई रोटी पसंद है, कितनी डबती है। मैं तो रोपा पकड़ा